लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये क्या है? पैसा है दोस्त, पैसा। अरे इतने बड़े मित्तल के घर में तेरी शादी हो रही है, उस घर के मुताबिक तेरे पास खर्चे के लिए पैसा भी तो होना चाहिए ना। इतने थोड़े पैसे के लिए इतना मारा था, अभी क्या क्या करोगे तुम? अरे यार तब की बात तब थी, अब की बात अब है। अरे अब तो हम तेरे अंकल हैं, अंकुल। यस। क्यों सालो, मारते वक्त भूल गए थे रिश्तेदारी? अरे ये सब इसकी गलती है, तुझे मना किया था मैंने, कितना झगड़ गया। लेकिन बड़के भैया। अच्छा मेरे बाप नाराज क्यों होता है, ले तू भी मार ले। अरे क्या, मुझे भी मार ले, चल मार ले। तुम शरीफ लोग अचानक इतने मेहरबान क्यों रहे भाई? अरे यार तू मित्तल का दामाद बनने वाला है और मित्तल का बिजनेस पूरे यूरोप में फैला हुआ है, हम उसके एक नंबर के पैसों के साथ साथ अपना दो नंबर का धंधा चलाना चाहते हैं। बोल कैसा आइडिया? कमाल का आइडिया है। एक तरफ तू अपने ससुर का व्हाइट पैसा उड़ाएगा और दूसरी तरफ तू अपने अंकल का ब्लैक पैसा। तू निकल पड़ी यार। तू यहाँ क्या कर रहा? मैं अकेले नहीं आया हूँ, आपके होने वाले ससुर और आपकी होने वाली पत्नी को भी साथ लेके आया हूँ। मित्तल साहब। मित्तल साहब, ये आपके शायद होने वाले दामाद हैं, क्या आप इनको अपनी बेटी के हाथ देंगे? हाथ तो मैं से दूंगा लेकिन रिंकी का नहीं, अपना हाथ दूंगा। तुमने हमारे साथ धोखा किया कमीने, हमारे साथ, मेरी बेटी के साथ फरेब किया। ये आदमी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। अच्छा मित्तल साहब इसे मार ले, तुम कितने करा रहे अपना? मित्तल साहब, अरे मैं तो तुझे अपना दामाद बनाने वाला था और तूने ये सिला दिया कमीने। मित्तल साहब क्या कर लेगा तू? हां क्या कर लेगा तू? मैं तुझे पुलिस में लूंगा अभी। मित्तल साहब, मित्तल साहब बैठो, खुलो, निकल चल छोटे, चल मत, निकल चल, तेज़ तुम्हें। ये रिंकी का फोन है, घबराई हुई है। हेलो, हाँ रिंकी बोलो। मम्मी पापा को क्या, पापा को क्या हुआ? आईसीयू में है। क्या? बाबूजी, बाबूजी, मम्मी, बाबूजी। मित्तल साहब का हॉस्पिटल छोड़कर एक फर्ज पूरा किया, अब तुझे मारकर दूसरा फर्ज पूरा करूंगा। I'm sorry to say so, Mr. Mittal, but Mr. Rajesh की दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। तो इंतजार किस बात का है? कुछ कीजिए ना, पैसे की परवाह मत कीजिए, मैं पानी की तरह बहाने को तैयार हूँ। पैसे की बात नहीं है, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एक डोनर की जरूरत है। डॉक्टर साहब, आप मेरी किडनी ले लीजिए। आपकी किडनी में नहीं ले सकता, एक तो आप डायबिटिक हैं और ऊपर से आपकी उम्र। डॉक्टर साहब, आप मेरी किडनी तो ले सकते हैं ना? नहीं मिसेस मित्तल, आपका ब्लड ग्रुप उनके ब्लड ग्रुप से मैच नहीं करता। डॉक्टर साहब, आप मेरी किडनी ले लीजिए। आप कौन है? मैं मित्तल साहब का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हूं सर। I'm sorry, पर कानूनी तौर पर हम सिर्फ किसी रिश्तेदार की ही किडनी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, रिश्तेदारी क्या सिर्फ खून की होती है? मैं मालिक के घर की रखवाली करता हूँ, उनकी जिंदगी की रखवाली करना भी तो मेरा फर्ज है।
मैं आपके इमोशंस की कदर करता हूं, पर मैं मजबूर हूं। अरे हाँ, ये अपना बंटी बेटा दे देगा किडनी, ऐसे मौके पर औलाद ही तो काम आती है। What? मैं किडनी दूंगा? हाँ बेटा, हर बाप अपने बेटे को जिंदगी देता है, मगर तू पहला बेटा होगा जो अपने बाप को जिंदगी दे रहा है। नो दादाजी, मैं अपनी किडनी नहीं दे सकता, मुझे पॉप सिंगर बनना है। अगर मैं किडनी डोनेट कर दूंगा तो मैं स्टेज पर नाचूंगा और गाऊंगा कैसे? बेटा, मैं तुझे 100 एल्बम बना दूंगा, पूरी म्यूजिक कंपनी खोल दूंगा। अपने बाप को किडनी दे दे बेटा। किडनी लेकर म्यूजिक कंपनी खोलने वाले दादाजी को आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। बंटी, कैसे बेटे हो तुम? तुम्हारी नजर में तेरी डैडी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं? रिंकी मेरी बेटी है ना, अपने डैडी की बहुत लाडली है, बहुत प्यार करती है उनसे, ये देगी अपनी किडनी? मम्मी, बंटी लड़का होकर किडनी देने से इनकार कर रहा है, मैं तो फिर भी लड़की हूँ, आप मुझे कैसे कह सकते कि मैं किडनी दे दूँ? कल मेरी शादी होगी, बच्चे होंगे, पूरी जिंदगी जीनी है मुझे, किडनी की कमी की वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई तो? अरे जिस डैड ने तुम दोनों को फूलों के जैसे संभाला, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, सिर्फ तुम दोनों की खुशियों के लिए जी रहा है, क्या तुम? मम्मी, उन्होंने कोई मेहरबानी नहीं की है। बंटी, बच्चों को पाल पोस के बड़ा करना, लिखाना पढ़ाना माँ बाप का फर्ज होता है। और औलाद का? औलाद का माँ बाप के लिए कोई फर्ज नहीं है? अरे तुम जैसी औलादों को देखकर आज मुझे एहसास होता है कि मेरा बेटा कितना महान है। अरे सारी जिंदगी मेरे कहने पर जिंदगी गुजारता रहा, एक दिन भी अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं गुजारी उसने, जैसा मैंने कहा वैसे जीता रहा। मेरे हुस्नों के खातिर न जाने अपने हजारों खुशियों का गला घोट दिया उसने, पर मैं कितना मजबूर हूं कि अपने उसी बेटे के लिए आज कुछ नहीं कर पा रहा। लोग कहते हैं कि मैं लंदन का सबसे अमीर आदमी हूं, मगर मैं कहता हूं कि मैं दुनिया का सबसे गरीब आदमी हूं, कि मैं अपनी बेबस औलाद के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मैं अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं, कुछ नहीं कर पा रहा। डॉक्टर साहब, मैंने अपने तमाम रिश्तेदारों को खबर कर दी है, इंडिया भी फोन कर दिया है, कल तक कोई ना कोई आ जाएगा। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए, मेरे बेटे कुछ नहीं हो सकता। बोले ना डॉक्टर साहब, क्या हुआ उन्हें? डोंट वरी, ही इज एब्सोल्युटली फाइन, हमने किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया है एंड द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया? पर किसने दी किडनी? आप तो कह रहे थे कोई रिश्तेदार हो, रिलेटिव हो, मगर वो आपका रिलेटिव ही है, और उसने किडनी शर्त पे डोनेट की है कि उसका नाम और उसकी पहचान राज रखा जाए। मैं उसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता। वारे मालिक, हम तो समझते थे कि हम ही सबसे बड़े दानवीर हैं, पर किसी ने हमें खैरात देकर हमें यह एहसास दिलाया कि हम कुछ भी नहीं, वो हमसे भी बड़ा दानवीर है। भगवान उसको सुखी रखे उसको भगवान। ए बंटी रिंकी, आओ आओ, कम इन। बाबूजी, आप हमेशा इसे खोटा सिक्का कहते थे ना, वक्त आने पर यही खोटा सिक्का काम आया है। डॉक्टर ने मुझे बताया कि किसी अपने ने मुझे किडनी दी है। तो समझा था कि समझा। थैंक यू रिंकी, रिंकी ने अपनी किडनी देकर अपने पापा की जान बचाई। नहीं बेटा, किडनी ना रिंकी ने दी, ना बंटी ने दी, और ना मैंने दी। फिर किसने? पता नहीं कौन था, कहां से आया था, कोई गुमनाम अपना था, जिसने डॉक्टर को अपने रिश्ते का सबूत दिया, तुझे जिंदगी दी और चला गया।
वेलकम होम सर। क्या हाल है बूटा सिंह? ये सब क्या है बेटा? राजू ये संभाल के कहाँ जा रहे? दादाजी हिंदुस्तान जा रहा हूँ। हिंदुस्तान? तू तो इस जैसा बनने आया था ना, उससे पहले ही जा रहा है? दादाजी आज बात समझ में आई, कहीं जैसा कोई नहीं बन सकता। तू मुझे छोड़कर जाएगा? राजू मेरी आंखों में देखकर बोल, तू मुझे छोड़कर जाएगा? तू क्या बोलेगा आज मैं सबको बताऊंगा। बाबूजी आप नहीं जानते हैं राजू कौन है। सर राजू सर कुछ मत बोलिए, अभी हॉस्पिटल से आए हैं, आपका आराम की जरूरत है। नहीं राजू, अगर आज नहीं बोला तो मैं जिंदगी भर नहीं बोल पाऊंगा। बाबूजी स्मिता राजू मेरा बेटा है। बेटा? राजू हाँ बाबूजी। All right, जैसे कि आप मेरे दादाजी हो, जैसे कि ये मेरी छोटी माँ है और ये मेरे छोटे भाई बहन है, वैसे ही मैं उनका बेटा हूँ। अरे क्यों कर रहे हो सर, क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं झूठ बोल रहा हूँ? और नहीं तो क्या? मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे आप लोग जानना चाहते थे ना कि किसने मुझे किडनी दी, किसने मेरी जान बचाई? बाबूजी वो आपका खून है, मेरा बेटा, और ये है राजू। राजू देखिए देखिए आप सब, देखिए ये ऑपरेशन के स्टेजेस, देखिए आप सब। अरे तो ठीक है ना, मैंने आपको किडनी डोनेट की, ब्लड ग्रुप मैच हो गया, ये आपकी तकदीर, इनका नसीब, आपके कितने एहसान है मुझ पर, तो ठीक है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इतने दिन तू मुझे परेशान करता रहा कि मैं तुझे बेटा बोलूं, और आज मैं कह रहा हूं तो तू सबके सामने। लेकिन मैं आपको पिता क्यों कहूं? क्यों कहूं मैं आपको डैडी जब आप हो ही नहीं मेरे डैडी? नहीं बेटा बोल। अरे बोल मुझे डैडी, बोल बोल। क्यों बोल? राजू मैं कह रहा हूं बोल, मैं कह रहा हूं बोल दे राजू। राजू आज मैंने तुझे बाप की हैसियत से मारा है, बाप की हैसियत से। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ, हाथ जोड़कर भीख मांगता हूँ, तेरे पांव पड़ता हूँ, बता दे सबको। क्या करे डैडी? शाबाश बेटे, वाह, तुम दोनों बाप बेटों ने मिलकर इतना बड़ा राज हमसे छुपा के रखा। हमारा खून हमारे घर में रहा और हमें पता तक नहीं चला। और अगर आज हम वक्त पर ना आते तो इसकी इतनी बड़ी कुर्बानी का हमें पता ही नहीं चलता है। अरे बेटा हमारा क्या कसूर है, तो हमें क्यों छोड़ के जाना चाहता है? नहीं दादाजी, आप लोगों का कोई कसूर नहीं है, कसूरवार तो मैं हूं, जो मैं आज घर को तोड़ने के इरादे से आया था, कि जिस आदमी ने मेरी मां का घर नहीं बसाया मैं उसके घर को उजाड़ दूंगा। लेकिन आप लोगों के साथ रहने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं किसका घर उजाड़ रहा हूं, अपने मां बाप का, अपने छोटे भाई बहन का, अपने दादाजी का। मैं इस घर में रहने के लायक नहीं, इसलिए मैं ऐसे जाना चाहता हूं। राजू मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। क्या मैं एक बाप को बेटे से और एक बेटे को उसके बाप से कैसे छीन सकती हूं? मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा एक और बेटा है जो मुझे आज मिला है। राजू भैया मैंने तुम्हें राखी नहीं बांधी, पर उस राखी का हक मांग रही हूँ। यस बिग ब्रदर, अब ठहर जाओ, ये सब आप ही को तो संभालना है, तभी तो मैं पॉप सिंगर बनूंगा। चुप करो, सबके सब बोले जा रहे हो तो मैं कौन हूं? क्या है तू जाना चाहता है तो जा, अभी चला जा। मगर एक बात याद रखना, पोता दादा का दूसरा जन्म होता है, अगर तू चला गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा। मर जाऊंगा बेटा, मैं तुझे नहीं चाहता। दादाजी क्या बोल रहे?
सब एक हो गए, हम ही अकेले रह गए, हम ही पराए हो गए। मेरी बेटी का क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे, किसका दरवाजा खटखटाएंगे भाई? हाँ, तुझे जहाँ जाना है जा, मगर अपनी बेटी को यहाँ भेजे, मेरे घर की होने वाली बहू है ये। मैं तो आ गई। दादाजी के पैर छू। जीत रहो बेटी, जीत रहो। सर फर्स्ट क्लास ससुर जी, जीत रहो। मैं जरा एक सेकेंड ना। आखिर बेटा बुलवा लिया ना? कितना कमीना बेटा है तू रे।